महाराष्ट्र के लोनावला में एक ही परिवार के 5 लोग घोसी डैम में बह गए। 3 के शव बरामद, 2 लापता। पुलिस के अनुसार सारे एक ही परिवार के सदस्य थे। इनमें एक महिला और 2 लड़कियों के शव मिल गए हैं, जबकि 2 बच्चे लापता है। महाराष्ट्र में पुणे के लोनावला में घोसी डैम के करीब एक तालाब में डूबने की एक घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 7 लोग झरने के तेज बहाव में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। आसपास के लोग लगातार उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज बहाव के कारण उस परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बढ़ता पानी का बहाव उनके पैर हिला देता है और पूरा का पूरा परिवार तेज बहाव में बह जाता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से केवल 2 लोग तैरकर किनारे पर आए, जबकि 5 लोग को पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इस घटना में एक 40 वर्षीय महिला, 13 साल और 8 साल की 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। वहां आसपास के मौजूद लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में ये परिवार यहां पानी का आनंद ले रहे थे, तभी लगातार होती बारिश के पानी का बहाव तेज हो गया और वो सभी एक चट्टान के किनारे फंस गए। लोगों ने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पानी में कूदकर उनकी जान बचा सके। वहीं तेज बहाव में परिवार के 5 लोग बह गए। लोनावले के झरने को रेलवे झरना कहा जाता है। यहां से पानी भूसी डैम में जाता है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे अभी भी लापता है। लापता बच्चों की उम्र करीब 6 साल और 9 साल के बीच है। इनकी तलाश जारी है, जबकि 2 लोगों के शव बरामद कर लिया गया। लोनावला शहर पुलिस और शिव दुर्ग बचाव दल शव की तलाश में लगा हुआ है।